सीतामढ़ी जिला सुनवर्षा ब्लॉक है। बगहा पंचायत के आसपास में स्वास्थ्य केंद्र हो या उप स्वास्थ्य केंद्र, दोनों में से एक भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के आसपास के 40,000 लोग इससे प्रभावित हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से क्या क्या समस्या हो रही है। इस पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही मांगना चाहते हैं कि हमारे आसपास एक अस्पताल हो, उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ से हम लोग छोटा मोटा उपचार के लिए सीतामढ़ी जैसे शहरों में भटकना न पड़े। गांव से लगभग स्वास्थ्य केंद्र की दूरी सोनवर्षा हो गया, वहाँ लगभग लगभग 20 से 25 किलोमीटर और सीतामढ़ी है 30 से 35 किलोमीटर के आसपास। हम लोगों के बारिश के समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टीका लेने के लिए तो गवर्नमेंट बनाई है, जहाँ तहाँ तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ सेंटर इसका नहीं है, तो हम लोग सरकारी अस्पताल में ही जाकर टीकाकरण का लाभ लेते हैं। सोनवर्षा हो गया, जैसे मेजरगंज हो गया, सीतामढ़ी हो गया, तो इमरजेंसी रात में रात होता है तो क्या, यहाँ तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। हम लोग प्राइवेट गाड़ी का भाड़ा लेकर और स्वास्थ्य के लिए निकलते हैं, ताकि काफ़ी देर होने के बाद घटना भी घटती है, जहाँ की जैसे सीतामढ़ी हो गया, नाइट में हो गया, जाम हो गया, जिससे लोगों को डिलीवरी पेशेंट में अधिकतर महिलाओं की मौत भी हो जाती है लेट के कारण। लोगों के सामने लगभग केस तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरे ही घर में एक घटना घट गई, डिलीवरी पेशेंट में मेरा वाइफ खुद से मर गई है। लोग को जाने में थोड़ा समस्या का और देरी होने के कारण डॉक्टर बोला कि सॉरी आप थोड़ा लेट आ गए, उपचार समय से नहीं हो पाया, इसके कारण ऐसा घटना घटी। इस समस्या से कितने गांव के लोग जूझ रहे हैं? इसलिए आसपास 5-10 किलोमीटर के लोग जो है, हम लोग यही चाहते हैं, हमारे ग्रामीण भी यही चाहते हैं कि हमारे पंचायत में भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, ताकि डॉक्टर के सलाह से अपने घरों में बच्चों के, महिला पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट जो है उसकी सलाह से चल सके और इस बीमारी और दुर्घटना से बच सके। उप संचार सेंटर नहीं होने के कारण बच्चे को और महिलाओं को सही समय से टीकाकरण न लगने के कारण बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से क्या क्या दिक्कत होता है? बहुत परेशानी होता है, टीकाकरण नहीं लगते हैं, बच्चा सबको परेशानी होती है, महिला को सुइया नहीं पड़ते हैं, कुछ भी नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर बहुत 25 किलोमीटर पड़ते हैं, फिर लेट को जाते हैं ना, तो वह डॉक्टर बोलता है कितना लेट का आए हैं, तो इसको परेशानी होते हुए डेट कर जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा ना नज़दीक में, वहाँ पर जाएंगे, अपना बच्चे को और गर्भवती महिला को टीकाकरण दिलवाएंगे, समय से दिलवाएंगे ना, जो बनेगा तब ना समय से दिलवाएंगे। वो बगहा बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो वहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना अति आवश्यक है। तो इस साल हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं कि बगहा में एक जो है स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, या फिर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हो, या जो यह है, हमारा ये पहल है कि वहाँ पर वो सुविधा मुहैया हो, जिससे लोगों को परेशानियां नहीं हो। वो बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहाँ सुविधाओं की कमी है, तो वहाँ भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। ऐसे उन्हीं जगहों को सिलेक्ट हम किए हैं जहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, शहर की तरफ उनको आने में काफ़ी समय लग जाता है, तो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बदलाव को लेकर के हमने यहाँ के ग्रामीण के साथ बैठक किए और यहाँ की स्थानीय विधायक अनिल कुमार जी से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्दी काम करवाया जाएगा। मैं ननु, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।